शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ हाँ, सलमा बहन सुन रहे हैं हम। जरा हमें मुबारकबाद तो दीजिए। हमारी बेटी का निकाह जो तय हो गया है। हाँ बहन, ये सब आपके बाबा के दिलरुबा टोटके का कमाल है। वरना आपको तो पता है, हमारी बेटी की शादी तय नहीं हो रही थी। कितने सालों से तो कोशिश कर रहे थे, शादी में जरूर आना। हाँ, इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। बहन जी, बहन जी, बहन जी, क्या नाम बताया आपने? अभी बताया ही कहाँ नाम, आप पूछेंगे तो बताएंगे ना कि हमारा नाम नाजिया है। आपका नहीं तो? उन बाबा का जिन्होंने आपको दिलरुबा टोटका बताया है। वो क्या है ना बहन जी, कि आपकी बेटी का निकाह तो तय हो गया ना, पर मेरी बेटी की शादी नहीं तय हो पा रही है। मैंने कितने सारे उपाय किए पर बात नहीं बन रही है बहन जी। मगर हम तो कहते हैं बहन जी, आप भी ये दिलरुबा टोटका आजमा कर देखिए, देखना कैसे बेटी की चटमंगली पट शादी हो जाएगी। अब हमारी बिटिया को ही देख लो ना। जैसे ही बाबा का दिलरुबा टोटका आजमाया ना, ऐसा लड़का मिला है, ऐसा लड़का मिला है कि बता ही नहीं सकते। कैसा लड़का मिला है? अच्छा, बता ही नहीं सकते तो क्या बताए कैसा लड़का मिला है। हाँ, मगर दिखा जरूर सकते हैं। बेटिया, तुम्हारे पास है ना लड़के का फोटो? जरा दिखाओ बहन को। आपको पता है, जैसे ही लड़के को हमने देखा ना, हमारी मुंह से जैसे चीख निकल गई। दिखा दिखा फोटो, दिखा लड़के का, इनको भी चिखवाओ। शर्मा रही है। चीख निकल गई ना देख के। हाँ बहन जी, मेरी भी चीख निकल गई। जो भी इनकी फोटो देखता है उसकी चीख निकल जाती है। क्या बताओ बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सारे टोटके की, कल फिर से एक टोटका करने जा रही हूँ, शायद उससे बात बन जाए। अगर नहीं हुआ ना बहन जी। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मगर हम कहते हैं, बाबा का ये जो दिलरुबा टोटका है ना, ये एक बार जरूर आजमाना। देखना देखना कैसे गजब हो जाएगा। हाँ हाँ, जरूर करूंगी। पर बहन जी, ये टोटका करना कैसे है? बताते हैं आपको क्या करना है। संतोष शर्मा जी। मैडम सर, तुमने प्रथा की माँ को वक्त से पहले आने को कहा था ना? हाँ बोला था। तो फिर वो अब तक आई क्यों नहीं? करिश्मा सिंह के आने से पहले हमें ये पूरा प्लान खत्म करना है, वरना वो अगर वो आ गई ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आ गए वो लोग। आप दोनों की बात मानकर वक्त से पहले ये दोनों यहाँ पहुंच गए। एक मिनट, चीता कहाँ है? चीता ने तो कहा था वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ। संतोष, चीता जो चीज लाने वाला है ना, वही इस प्लान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर वो नहीं आई तो ये सब फेल हो जाएगा। कहाँ है वो, पूछो उससे। फोन करती हूँ। प्रथा, उसकी मम्मी आ गई, जल्दी आ। ऐसा मनहूस जगह है ना, वहाँ पर कोई रिक्शा वाला भी आने को तैयार नहीं हो रहा है। और मैडम से जो चीज लाने के लिए भेजी है ना, कोई मूंगफली नहीं है, बहुत खतरनाक सामान है। लेकर आ रहे संतू जी, पहुँच रहे हैं, हम पहुँच ही रहे। फोन रखिए, हम पहुँच रहे हैं संतू जी। क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं। बेटा, इस पशु विवाह रस्म से पहले ना एक और रस्म करनी है। और कितनी रस्में हैं माँ?
बेटा ये सब तेरी भलाई के लिए तो कर रही हूँ ना, मैं जो कर रही हूँ चुपचाप मेरी बात मान के जा, ठीक है? बेटा तू जा, जाके ना बहुत जल्दी से खड़ी हो जा। कहाँ रह गया? प्रथा की मम्मी दिलरुबा टोटका शुरू कर रही है, जल्दी आना। आ गए संतोष जी, आ गए, बस पहुँचिए रहे। अरे बहुत फास्ट भाग रहे हैं अपना हिसाब से भाई। जल्दी आ, जल्दी आ। भागते हुए आ रहे हैं, भागते हुए। क्या कह रहा है, कहाँ है वो? आ रहा है मैडम जी, हमेशा लेट करता है। टोटका खत्म होने ही वाला है, चीता अगर नहीं पहुंचा तो प्लान फेल हो जाएगा। चलिए चलते हैं, तो मेरी माँ ना। नहीं नहीं सुनो सुनो, हमारा मकसद तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं है, हमारा मकसद तुम्हें इस पूरी सिचुएशन में से हमेशा हमेशा के लिए निकालना है, इसलिए अब आगे आगे देखो क्या होता है। एकदम संभल कर करना ये टोटका, थोड़ा भी अगर कुछ नीच नीच हो जाएगी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे तुम। मेरी बच्ची, मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, मेरा ही मंत्र उल्टा पड़ गया जिससे तू बकरी बन गई। चीता, हम प्रथा को लेकर महिला पुलिस थाने जा रहे हैं, तुम उसकी माँ को लेकर वहीं पहुंचो, जल्दी चलो 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 चलो। जल्दी चलाओ, लेट हो रहा है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। का चाची? बच्ची। कहाँ हो गया? कौन है? बेटी है। इसका मतलब बेटी जैसी बकरी है ना? नहीं भैया, मेरी बेटी ही है। अरे इसकी शादी नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं टोटका कर रही थी, इस बकरे से इसकी शादी करा रही थी ताकि इसका भी घर बस जाए, लेकिन लगता है वो टोटका उल्टा पड़ गया, पता नहीं कैसे ठीक होगी। अरे तो चाची, तो बहुत सिंपल है ना, नहीं जो आपको टोटका बताया है उसके पास तो इसका तोड़ भी होगा, वैसे कौन बताया था आपको टोटका है? अरे भैया, हाँ। कल बाजार गई थी, हाँ। वहाँ दो औरतें मिली, माँ बेटी थी। अच्छा। उन्होंने ही मुझे ये टोटका बताया था। अरे तो कोई बात नहीं, सुनिए चाची, दोनों माँ बेटी का पता फोन नंबर वगैरह है कुछ? नहीं पता। अच्छा, ये आपको कुछ नहीं पता है, उस पर इतना ज्यादा अंधविश्वास कि अपनी बेटी का जिंदगी दांव पर लगा दी? अरे का चाची, ना मतलब कुछ याद है, सकल सूरत याद है उसका? अरे भैया, हम चेहरा कैसे भूल सकते हैं, चेहरा अच्छे से याद है हमको। बहुत अच्छा, चलिए हमारे साथ खाना, वहाँ स्केच बनवाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए 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 चलिए। हम आप सामने ही लाके खड़ा कर दोगे? अरे आगे लीजिए ना। कितना टाइम हो गया? ये लीजिए। शुक्रिया। क्या यही वो दोनों हैं? इस तरीके की, इस तरह की दिखने वाली तो हजारों औरतें हैं शहर में, हम कैसे ढूंढेंगे? ये ढूंढना तो मतलब जैसे
भूसे में से सुई ढूंढने का काम होगी। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों महिलाएं नहीं मिलेंगी तो क्या मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाएगी? कभी वो इंसान नहीं बन पाएगी? प्रथा मेरे बच्ची, प्रथा क्या गारंटी है कि अगर ये दोनों इंसान मिल जाए तो आपके टोटके का तोड़ निकल जाए? और क्या गारंटी है कि आपकी बेटी बकरी से फिर से बदल कर इंसान बन जाए? हाँ पुष्पा जी, हम बहुत सारा इंसान को ना ऐसे जानवर बनते हुए देखे, लेकिन एक भी जानवर को ऐसे इंसान बनते हुए नहीं देखे। बहन जी, आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? नहीं मतलब आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्या चाहती थी? आपकी बेटी को कोई अच्छा सा वर मिले। अब मिल तो गया, देखिए तो कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। अब इससे अच्छा परफेक्ट मैच क्या हो सकता है बताइए? एक काम करते हैं ना, प्रथा से ही पूछ लेते हैं। प्रथा, हाय सिस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वैसे कौन खुश है इनसे शादी करके? देखा, खुश है ये। वाह संतु जी, गजब। प्रथा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जया जी, लेकिन आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप जानती नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपकी बेटी खुद यहाँ आई थी कंप्लेन लिखवाने, वो भी आपके खिलाफ। कह रही थी कि आपके इस अंधविश्वास से वो परेशान हो चुकी है, आपके नए नए टोटकों से वो अंदर से टूट चुकी है। जब भी आप कोई नया टोटका उस पर आजमाती हैं तो वो थोड़ी सी अंदर से मर जाती है। इससे तो अच्छा ही है ना, कम से कम वो जिंदा तो है, और देखिए हमें तो देखकर बहुत खुश भी लग रही है। अब प्रथा से पूछ लेते हैं ना। प्रथा, खुश कौन? देखा, खुश है ये। हाँ हाँ, कितनी खुश है देखो। गजब है, गजब। मैडम जी, आपके कहने का मतलब ये कि मैं आज तक अपनी बेटी के साथ जो करते आई हूँ वो सब गलत था? अपने औलाद की खुशी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए कामना करना गलत है मैडम जी? और जिसे आप ये टोटका कह रही है ना मैडम जी, उसे सभी करते हैं। कोई चोरी चोरी करता है, कोई सामने करता है, और जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं, अगर उसे अंधविश्वास को करने से किसी का भला होता है, किसी के सर पर से बुराइयां हट जाती हैं, उनका बिजनेस व्यापार चल जाता है, तो इसमें गलत ही क्या है मैडम जी? आप क्या मानती हैं, किस चीज पर आपका विश्वास है, ये हर किसी की निजी चॉइस है, ये उसका हक है। लेकिन आप क्या मानकर चल रहे हैं, इससे दूसरों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है, ये तो आपको समझना होगा ना। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी जिंदगी बन जाए। लेकिन जया जी, जिंदगी आत्मविश्वास से बनती है, अंधविश्वास से नहीं। आपके हर रोज के टोना टोटका करने से वो बिचारी इतनी डर गई, सहम गई, और ऐसी डरी हुई सहमी लड़की से कोई कैसे शादी करे? काहे नहीं आई है माँ बेटी अभी तक? कितना टाइम हो गया? मैडम, हमको तो लगता है कि माँ को अकल आ गई होगी, इसलिए शायद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ निकल ले यहाँ से, अब कुछ ना धरा यहाँ पे, फिर कभी सेवा का मौका दीजिएगा, बाकी देख लेंगे। माँ, मैं तो कहता हूँ आप चुप ही रहिए, कुछ मत बोलिए। अरे वकील साहब, ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या चाहती थी? हम तो आकाशवाणी हो गया क्या? ऐसे कैसे अकल ठिकाने आ गया एक सेकंड में उसके माँ का? अरे मैडम जी, समझाने वाले का हुनर होता है, अगर समझाने पे आए ना तो किसी को भी समझा सकता है। अब हमको देखिए ना। अम्मा भगो यार, कुछ भी, ऐसे कैसे कोई समझाने वाला मिल गया? ऐसा कौन पैदा हो गया समझाने? मैडम सर, कहीं मैडम सर तो नहीं है जिन्होंने प्रथा की माँ का ब्रेन वॉश किया? चेदी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम के पीछे जाएगा फिर गुस्सा करेंगे। अभी हम देखे ना आप हमको। गाड़ी आ रहा है का? आवाज ऐसा लग तो रहा है। बोलो ना। लेकिन वो गाड़ी कुछ पहचानी पहचानी से लग रही है। आपकी गाड़ी थी? अरे मैडम, तजुर्बा कहता है हमारा कि चमत्कार नजरिए में होता है, हकीकत में नहीं। टोना टोटका करने से हमें सिर्फ तसल्ली मिलती है, खुशियां नहीं, क्योंकि जो होता है ना वो तो
वही होता है जो लिखा है, जो होना है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप और हम जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अच्छा ही हुआ ना कि आपकी बेटी बकरी बन गई। कम से कम अब उसे वैसे ही अपनाया जाएगा जैसी वो है। प्रथा, प्रथा मेरी बच्ची, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं ये टोटका नहीं करती तो आज तेरी ये हालत ना होती मेरी बच्ची। प्रथा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बकरी ही है और कुछ नहीं है। हमने तो बस एक छोटा सा नाटक किया था आपके साथ, आपकी बेटी की भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी ये जो अंधश्रद्धा वाली जो गहरी नींद है उससे आपको जगाने के लिए। और मार्केट में जो आपको दो औरतें मिली थी वो हम ही हैं। हम ही ने आपको वो भस्म वाला आइडिया दिया था। और टोटका करते समय जब आपने भस्म प्रथा पर डाली तो उसके धुएं के बीच चीता ने प्रथा की जगह बकरी को वहां रख दिया। जय जी, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, वो जैसी है बहुत अच्छी है और उसकी शादी हो जाएगी। और वैसे भी शादी जिंदगी का एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। पहले वो जो करना चाहती है वो तो उसे करने दीजिए, उसे अपनी आजादी की उड़ान भरने दीजिए, फिर हो जाएगी शादी। जब तक वो खुद से खुश नहीं रहेगी तब तक वो किसी और को खुश कैसे रखेगी। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। चीता चतुर्वेदी जी। मैडम सर, बुलाए हैं, लेकर जाएगा। चल 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 चल। लीजिए भैया। हाँ भैया लीजिए, ले जाइए। थैंक यू मैम, आपने अपना वादा निभाया, मुझे इस मुश्किल से निकाला। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। कोई जरूरत नहीं, हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपना काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। और प्रथा एक चीज हमेशा याद रखना जी, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, किस्मत का दरवाजा खुद के हौसलों पर खुलता है। तुम्हें उसने बनाया है प्रथा, और वो कोई भी काम कभी बेमतलब नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। जी चल बेटा। क्या कर रही है? हमने कहा था ना आपको कि हम आपके माँ के टोटके का जो जंजाल है इससे आपको बचा देंगे, तो फिर ये क्या चल रहा है ये सब, यहाँ कैसे आप? करिश्मा मैडम, थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हसीना मैडम ने सॉल्व कर दी है।
ये देखिए देखिए यहाँ टीका, ये कुछ भी नहीं है, माँ के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। देखिए अब मेरी माँ को पता चल गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं जब यहाँ आई थी ना मैम, मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं हसीना मैम की भी फैन हूँ। एक रियल हीरो कैसा होता है ये मैं सच में जान गई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर, हमको लगता था कि आप केस जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, पर आज हमें एक और बात पता चली है कि मैडम सर जो है वो धोखा वो तो और भी अच्छे से देती है। ये एक नया टैलेंट हमें आज पता चला है मैडम सर आपका, क्या वार किया है आपने हमारे पीछे से। ऐसा दर्द हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि आह करे या वाह करे। संभल कर पुष्पा जी, बोलने दीजिए। नहीं, बोलने के लिए बचा क्या मैडम सर, आपका जो खेला है वो सबके सामने आ गया है। ऐसा तिगड़म लगा के आपने ऐसा पैतराबाजी खेला है ना कि हमारे केस को अपनी तरफ लेके सॉल्व भी कर डाला। क्यों? ताकि मैडम सर का नाम इस लखनऊ शहर में फिर से गूंजे, ताकि पूरे लखनऊ शहर में फिर से ये पता चल जाए कि लखनऊ शहर में सिर्फ एक ही महिला अधिकारी है और वो है द सुपर हीरो, द सुपर कॉप मैडम सर। सफाई नहीं दे रहे और सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन सुनिए, हमने ये सब वाहवाही के लिए या अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया है। हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और जहाँ तक बात है क्रेडिट की, तो ये आपका केस है, आपके थाने में रजिस्टर हुआ है, इसलिए इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है, ठीक है? मैडम सर, आज तक करिश्मा सिंह ने अगर कोई काम किया ना तो वो अपने दम पर किया है, और आगे भी करिश्मा सिंह अगर कोई काम करेगी तो वो भी अपने दम पर ही करेगी। हाँ, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं मैडम सर, जब हम इस थाने में थे आपके साथ, तब भी आप हमें अपने तरीके से काम नहीं करने देती थी। अब आज हम दूसरे थाने में हैं, तब भी आप दखलअंदाजी कर रही है, हमें अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही हैं। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या है हमसे। अगर आपको हमारा इतना ही जरूरत पड़ता है मैडम सर, तो बुला लीजिए ना हमें अपने थाना में, हम आ जाते हैं। फिर आप कीजिएगा अपना मनमानी, हम मानेंगे आपके ऑर्डर, सिर्फ आप ही का ही वाहवाकार होगा, आप ही का ही नाम गूंजा जाएगा ना फिर। लेकिन जब तक मैडम सर हम अपने थाना में हैं और अपने तरीके से केस सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम विनती करते हैं कि हमें अपने तरीके से आप केस सॉल्व करने दीजिए। क्योंकि क्या है ना मैडम सर, अगर इस बार आपने कोई दखलअंदाजी किया ना हमारे केस में, तो माफ कीजिएगा लेकिन इस बार हमसे भी कोई गुस्ताखी हो जाएगा। जय हिंद मैडम सर।